हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माय नेम इज वैशाली कंबोज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली ही एक मास्टर प्लान, एक तरह की योजना लॉन्च करी गई है जिसका नाम है गतिशक्ति। तो पूरा नाम है इसका पीएम गतिशक्ति, जिसको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान की तरह भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। कंटेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी न्यूज में बात क्यों हो रही है, ये प्रोजेक्ट क्या है, क्या इसके एम्स, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इस तरह के एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसकी जरूरत हमें पड़ ही क्यों रही है, ऐसा हम क्यों करने जा रहे हैं, ये चीज क्या है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहेगा और इसके क्या है बेनिफिट्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो देन प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं न्यूज में इसको क्यों देखा गया है। रिसेंटली ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम है पीएम गतिशक्ति, जिसको नेशनल मास्टर प्लान के रूप में भी जाना जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है इसको लॉन्च करने का, इट इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड भारत के अंदर बहुत सारी बात हो रही है। भारत के अंदर अभी रिसेंटली ही बात हुई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा बात हुई। आत्मनिर्भर भारत को लेकर बहुत ज्यादा चीजों को अंडरलाइन किया गया कि भारत के अंदर आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए जो वर्ल्ड क्लास कैटेगरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो इस तरह का हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं अब। तो अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को तैयार करना है, इसके लिए हमें किसी तरह की एक कॉपरेशन की जरूरत है, कि इंटीग्रेशन की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट जो है लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पीएम गतिशक्ति। तो एक तरह से हम यहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक गति देने वाले हैं, एक स्पीड देने वाले हैं, उसको शक्ति प्रदान करने वाले हैं, ताकि उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाए। तो एम इसका क्या रहेगा जी, देखिए, बूस्टिंग मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। आप इसको मल्टी लेवल पर कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। कनेक्टिविटी किसके बीच में, अमंग्स डिफरेंट सेक्टर्स, जहां जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात हो रही है वहां हर जगह। इस कोऑर्डिनेशन, इस कोऑपरेशन के साथ जो हमारा लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है, ये भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाने वाला है, जो करेंटली अभी बहुत ज्यादा है। तो आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट को थोड़ा देखते हैं, है क्या जी, हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। गतिशक्ति नाम से ही एक पोर्टल जो है वो लॉन्च होगा, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि 16 मिनिस्ट्रीज जिनके अंडर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है। जैसे कि हम बात करें यहाँ रोड्स एंड हाईवेज, रेलवेज, शिपिंग, पेट्रोलियम गैस, पावर, टेलीकॉम, शिपिंग, एविएशन, ये सभी सेक्टर्स जो है यहाँ पर कनेक्ट हो जाने वाले हैं। ये सभी मिनिस्ट्रीज एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करेंगी। अभी तक ऐसा कोई भी हमारे पास पोर्टल नहीं था, कोई हमारे पास इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर हम सभी लोग मिलके एक जगह पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बातें कर सकें। लेकिन अब हमारे पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है जिसका नाम है गतिशक्ति। हमारा इससे इरादा क्या है, वी वॉन्ट टू एंश्योर अ होलिस्टिक प्लानिंग। देखो वर्ड क्या लिखा है, होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब हर तरीके से, चाहे वो किसी भी एंगल की बात हो, चाहे उसके ग्राउंड लेवल पर बात हो। कभी कभी रोड्स बनने के साथ साथ असर होता है आसपास वाली और चीजों के ऊपर भी। कई बार रोड से आपको रेलवेज कनेक्ट करनी पड़ती हैं और इसके साथ साथ आपको पोर्ट कनेक्टिविटी भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डील करती हैं, अब आपको चाहिए क्या कि ये सभी मिनिस्ट्रीज एक जगह पर अगर आ जाएं तो हमारा जो काम है वो एक इंटीग्रेटेड तरीके से हो पाएगा। आप ज्यादा स्ट्रीमलाइंड तरीके से काम जो है वो कर पाएंगे। अगर मान लो एक सेक्टर की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है किसी दूसरे सेक्टर को, तो वो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सॉल्व कर दी जाएगी। वो आगे जाकर बड़ा मुद्दा नहीं बनेगी या बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। आगे हम देखेंगे इसके और सिग्निफिकेंस और बेनिफिट्स, तो वहां आप इसको और अच्छे से जानेंगे। ये जो पोर्टल है जी, ये बनाया जा रहा है बाय दिस इंस्टीट्यूट कॉल्ड भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये हमारा गुजरात के अंदर लोकेटेड है। तो ये जो है इंस्टीट्यूट डिजाइन करने वाला है इस पोर्टल को। नाउ If we understand more about the project, तो होने क्या वाला है, we are doing a techno-centric administrative initiative. बड़ा ही important word. तो हम यहाँ पे technology को इस्तेमाल करते हुए एक administrative initiative लेने जा रहे हैं, जो हमारी administration को और ज्यादा streamlined और ज्यादा smooth करे। हम क्या कर रहे हैं जी, इसके अंदर silos को break करे। Silos का मतलब जब हम
अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने अपने ढंग से काम करते रहते हैं। एक मिनिस्ट्री को नहीं पता कि दूसरी मिनिस्ट्री किस तरह से प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रही है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो हम वो नहीं चाहते कि सब लोग अपना अपना काम करते रहे। इन सभी को आपस में क्या करने की जरूरत है, इंटीग्रेट करने की जरूरत है। सो दैट इज वाई वी हैव मेड दिस। तो हमने क्या कहा जी कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे। हम यहाँ पर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेंगे, हम डिजाइनिंग जो है उसको बेटर बनाने की यहाँ पर ट्राई करेंगे। वील डू सैटेलाइट मैपिंग ऑल्सो। समटाइम्स जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है तो वहां पर आपको कई तरीके की दिक्कतें आती हैं। आपको देखना पड़ेगा कि लैंड अवेलेबल है या नहीं, क्या वहां पे कोई फॉरेस्ट है या नहीं, क्लियरेंस की जरूरत आपको पड़ेगी। तो कहां पर कौन से एरिया में कौन सा फॉरेस्ट एरिया है, कौन सा सेंसिटिव एरिया है, कौन सा रेजिडेंशियल एरिया है, सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया जाता है या उसको बनाया जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा जी, हमारे पास सैटेलाइट मैपिंग होगी तो हम और तरीके बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे, डेटा टूल्स हमारे पास होंगे। सो द प्रोग्राम सिक्स टू अपील टू द नेशनल इमेजिनेशन एज एन अम्ब्रेला इंटीग्रेटर। तो हमारे लिए ये एक अम्ब्रेला इंटीग्रेटर है, इसके अंदर ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करने वाला है जिसके अंदर बाकी मिनिस्ट्रीज काम करेंगे। 111 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन आवर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि 2020 से लेकर 2025 के बीच में हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने वाले हैं। तो जिसका कीमत है जी देखिए 111 लाख करोड़ रुपए। तो बहुत ज्यादा पैसा जो है यहाँ पर हमने लगाया है या हम लगाने जा रहे हैं। ये काम हमारा बेहतर तरीके से हो पाए इसके लिए हमें एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, जिसकी वजह से ये बनाया। अभी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है इसको और डिटेल में आप लोग जान सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका वीडियो डिटेल में अवेलेबल है, सो प्लीज डू वॉच इट। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि किस तरह से ये गतिशक्ति प्लान जो है हमें हेल्प करने वाला है। दिस पोर्टल इज गोइंग टू ऑफर अस 200 लेयर्स ऑफ जियोस्पेशियल डेटा। जियोस्पेशियल डेटा क्या होता है, जो आप सैटेलाइट की हेल्प से डेटा कलेक्ट करते हो अबाउट द अर्थ, कहाँ से कौन सी रोड पास हो रही है, कहाँ से हाईवेज कैसे हैं, रेलवेज कहाँ कहाँ से लाइंस हमें चाहिए, कहाँ हमें नहीं चाहिए, कहाँ पे हमें कनेक्शन की जरूरत है, टोल प्लाजा जो है कहाँ पर होने चाहिए, एवरीथिंग रिलेटेड टू ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज फॉरेस्ट, वेदर इट इज रेजिडेंशियल एरिया, नदियां, बाउंड्रीज, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा किसमें, प्लानिंग में एंड ऑब्टेनिंग क्लियरेंसेस। वंस यू हैव द मैपिंग, वंस यू हैव द आइडिया कि कहाँ से कौन सी चीज पास कर रही है, You will be in a better position कि इससे किसी और कम्युनिटी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, या हमारे यहाँ पर क्या क्या स्टेक्स इन्वॉल्व है, किस चीज से मुझे फायदा होगा, किस चीज से मुझे नुकसान होगा। तो सीधा ही नहीं जाके प्रोजेक्ट हमने लॉन्च कर देना है कि हाँ जी यहाँ पर हम इंडस्ट्री बनाएंगे, नो, या यहाँ पर हम कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोई वेयर हाउस बनाएंगे, डायरेक्टली नहीं होगा। पहले उसका पूरा क्या करा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, and that data is going to be collected through this platform. So it will incorporate various ministries as well as state governments. So obviously state governments ka saath to aapko chahiye hi chahiye, kyunki wo log main hain jinke area mein ye cheez hone wali hai, to unka saath to hame chahiye hi chahiye yahan pe. Fine ji, aur kis tarah se hum inka involvement dekhne wale hain, dekho aap yahan par bahut sare infrastructure schemes hoti hain jo states ke andar launch hui hain, different different states se hokar ye projects jo hain laaye gaye hain. Jaise ki aap dekho Sagarmala ka project hai. सागरमाला क्या है जी, हमारा जो पोर्ट कनेक्टिविटी है उसकी बात हो रही है, हम कोस्टल कनेक्टिविटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो किस तरह से हम अपने पोर्ट्स जो हैं उनको बेटर बनाएंगे, किस तरह से हमारे यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी, इसकी बात यहाँ पर हुई है। किस तरह से हम अपने पोर्ट्स को अंदर जा रही रोड्स जो हैं उनके साथ कनेक्ट करेंगे, रेलवेज जा रही हैं उनके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, इन सब की बात। भारतमाला प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट ये बता रहा है कि हमें रोड्स की कनेक्टिविटी किस तरह से करनी चाहिए भारत में, कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं जहां से हमें अपने अलग अलग ट्रेड सेंटर्स जो हैं उनको ज्वाइन करवाना चाहिए, ताकि हमारी ट्रेड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से हो पाए, और इससे सिर्फ ट्रेड को फायदा ही ना हो बल्कि जो आम नागरिक हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी बहुत आसानी हो। तो ये बहुत हमारा बढ़िया प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू रोडवेज, रिलेटेड टू रोड नेटवर्क। ऑल्सो यहाँ पे ड्राई पोर्ट्स के बारे में बात होगी, इनलैंड वाटरवेज के बारे में यहाँ पर बात होगी, किस तरह से हम अपनी नदियों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कैसे एक नदी के साथ एक नदी कनेक्ट हो सकती है, इसके बारे में यहाँ पर बात होगी। एंड द लास्ट वन इज उड़ान, मतलब थ्रू एयरवेज। तो हाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एन एयर कनेक्टिविटी विद इवन द रिमोट एरियाज, कोने कोने में भारत के
कोने में जाके हम कैसे अपने लोगों से कनेक्टिविटी बना सकते हैं, कैसे हम उनको डेवलपमेंट के और ज्यादा क्लोज ला सकते हैं, उसके लिए ये प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं। तो ये सभी मिलके अलोंग विद ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, हमारा ये जो गति शक्ति नाम का ये प्लेटफॉर्म है, ये इन सब चीजों को बहुत ही स्मूथली काम करवा देगा। तो यहाँ पे जैसे हमारे इकोनॉमिक जोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं, डिफेंस के कॉरिडोर्स हैं, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स हैं, फिशिंग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एक्सेट्रा, इन सभी को हम लोग इकट्ठे ज्वाइन करवाना चाहते हैं। ये सभी सेक्टर्स इसमें कवर होंगे। क्यों कवर कर रहे हैं? ताकि कनेक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो पाए। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडियन बिजनेस है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो। अभी क्या है कि हम लोग अपना सेपरेट सेपरेट एरिया में होकर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचो ये सभी मिलकर आपस में काम करने लगे तो ओवरऑल फायदा जो है वो हमें बहुत बड़ा होगा। देश की इकोनॉमी का जो सपना हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा है वो जरूर हमारा पूरा होगा। हमारा GDP में बहुत ग्रोथ होने वाला, क्योंकि अभी वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कह लो आप, वेस्टेज ऑफ एफर्ट कह लो, ये काफी ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम आपस में मिलके एक दूसरे को बताकर कि एक सेक्टर क्या कर रहा है, दूसरा सेक्टर क्या कर रहा है, अगर आपस में वो इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो ये जो चीज है एफर्ट की वेस्टेज और पैसे की वेस्टेज ये नहीं हो। दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म गतिशक्ति विल लीवरेज टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली। तो टेक्नोलॉजी बहुत इस्तेमाल होगा। हमने बात किया यहाँ पर जैसे कि स्पेशल प्लानिंग टूल्स, सो सैटेलाइट के हेल्प से हाउ वी आर गोइंग टू यूज द टेक्नोलॉजी टू मैप द अर्थ, कैसे हम मैपिंग करने वाले हैं, कैसे हम यहाँ पे डिजाइनिंग करने वाले हैं, एवरीथिंग यहाँ पर हमें पता लग जाएगा, जो कि विद द हेल्प ऑफ इसरो इमेजरी हमें ये जानकारी होगी। और इसका जो डेवलपमेंट है ये सभी का सभी करा जा रहा है बाय दिस इंस्टीट्यूट अगेन, जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी, भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। नाउ लेट अस सी द एम। अब ब्रॉडली देखते हैं हम डिटेल में कि एम क्या है हमारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के पीछे। तो जैसे हमने बात करी क्या है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी है और इम्प्लीमेंटेशन करनी है, अलग अलग काम नहीं करना, मिलके करना है ताकि ओवरलैपिंग ना हो एफर्ट्स की और रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आने वाले 4 सालों के अंदर हम ये काम करने वाले हैं, जिससे हमारा जो काम है और ज्यादा गति से होगा, फास्ट होगा। जब प्रॉब्लम्स कम होंगी, स्ट्रीमलाइन तरीके से काम करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। और साथ ही साथ आप देखो, हमने पैसे बचाने की तो बात की ही की है, इससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, अगर ये बढ़िया तरीके से काम करेगा तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो हमारा ये इसके पीछे एम है। ये अगर बेटर तरीके से हो गया, इंटीग्रेटेड तरीके से हो गया, तो ये सभी फायदे हमें मिल सकेंगे। द गति शक्ति स्कीम विल सब्ज्यूम 110 लाख करोड़ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो 110-111 इतना अमाउंट, अप्रोक्सीमेट इतने लाख करोड़ का अमाउंट जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर लगाया जा रहा है, जिसको 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 2020 से लेकर 2025 के बीच में बनाए जाने वाले। और इसके अंदर एम्स क्या है, हमने बात करी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाने वाला है जी यहाँ पे। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, देखिए पोर्ट्स के ऊपर होता क्या है, कार्गोज बहुत सारे आते हैं, हम लोग उनको सही तरीके से टैकल नहीं कर पाते क्योंकि हमारी पोर्ट्स की कैपेसिटी अभी उतनी ज्यादा नहीं है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर ना टाइम वेस्टेज होता है। अगर देखो टाइम वेस्ट हुआ तो साथ ही साथ कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो कॉस्ट एंड टाइम ओवर रन्स यहाँ पर हो रहे हैं। समय इज पैसा बिजनेस के अंदर। आप देखो जितना ज्यादा समय लगेगा आपका उतना ज्यादा लॉस जो है होगा, जो कि इसकी वजह से हो रहा है। हमारे पास वेयर हाउसेज नहीं है, मान लो सामान जो है वो पोर्ट के ऊपर उतर गया, उतार कर हमें रखना कहाँ है, हमारे पास ये फैसिलिटीज बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समय हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, राइट। और कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी वेस्टेज भी हो जाती है, खराब भी हो जाती हैं चीजें, तो वो चीज हमें नहीं करना है, राइट जी। और एक एम इसका क्या है, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। कॉरिडोर का मतलब आप यहाँ पर ऐसा समझिए कि कुछ ऐसा सेक्शन हम लोग बनाने जा रहे हैं जहां पर इंडस्ट्रीज विल वर्क इन कॉन्ग्रुएंस, दे विल वर्क टूगेदर, ठीक। तो ऐसे कॉरिडोर्स बनाएंगे जो रोड से कनेक्ट होंगे, रेलवे से कनेक्ट होंगे, एयर कनेक्टिविटी वहां पर होगी, ताकि बेटर तरीके से चीजें परफॉर्म हो पाए, ठीक है जी। ऑल्सो वी आर गोइंग टू फॉर्म 2 डिफेंस कॉरिडोर्स, 1 इन तमिलनाडु एंड द अदर विल बी इन उत्तर प्रदेश। सरकार ने इसके साथ एक और एम कहा कि हम 4G कनेक्टिविटी जो है वो भी बढ़ाने वाले हैं गाँव के अंदर। तो बेसिकली यहाँ बात किस चीज की हो रही है, यहाँ बात हो रही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को गाँव गाँव तक लेकर जाने की। तो ये जरूर हम करने वाले हैं, क्योंकि जी आज की डेट में
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो हमारी ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा गांव गांव जो है वो कनेक्ट हो। अगर देखो गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का प्रेजेंट होगा, अगर गांव के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, तो मान लो अगर वहां पे कोई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने वाला है या प्रोजेक्ट बन रहा है वहां पे, ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो वहां पे थोड़ा स्मूथ काम हो पाएगा अगर ये चीज वहां पर ऑलरेडी होगी। हम बहुत सारे एग्रीकल्चरल जोन्स बनाने की बातें कर रहे हैं, तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये चीज बने, तो एग्रीकल्चर जोन्स कहाँ बनेंगे? ऑब्वियसली जो रूरल एरियाज होंगे उनके क्लोज ही हम ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे पार्क्स जो होंगे जिनको आप मेगा फूड पार्क्स कह लो, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम बनाने वाले हैं, तो ये चीज की जरूरत हमें पड़ेगी। अनदर एम विद अस इज वी आर गोइंग टू ऐड 17,000 किलोमीटर ऑफ गैस पाइपलाइन नेटवर्क। हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्यूल भी है वो भी जल्दी से कनेक्टिविटी ऐसी हो हमारी, पाइपलाइन नेटवर्क अगर होगा तो हम एक जगह से फ्यूल दूसरी जगह पे जल्दी से पहुंचा पाएंगे, टाइम वेस्टेज नहीं होगा। तो ये भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पार्ट है। सरकार ने इसके अंदर और कुछ एम्बिशियस एम्स भी रखे हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है उसको हम 2,00,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करने वाले हैं। ये लेंथ जो है एक्सपैंड होगी और ज्यादा। 200 नए पोर्ट्स यहाँ पर बनने वाले हैं, हेलीपोर्ट्स बनेंगे, एरोड्रोम्स बनेंगे, जहां से हम अपने एयरक्राफ्ट, अपने प्लेन्स जो हैं वो कर सकते हैं, चाहे सिविलियन पर्पजेज के लिए आप यूज करें, चाहे डिफेंस पर्पजेज के लिए, ये एरोड्रोम्स यूज होते हैं। दीज आर काइंड ऑफ एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हर तरीके का काम जो है, चाहे आपने डिफेंस पर्पज के लिए करना है तो वो भी हो जाएगा एरोड्रोम से, यहाँ से आप चला सकते हो, एयरक्राफ्ट भी चला सकते हो, हेलीकॉप्टर्स चला सकते हो, ठीक। और अगर कोई सिविलियन काम है तो वो भी यहाँ से हो पाएगा। तो एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिजाइन यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी हम लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, है ना। एक सेक्शन, एक इंडस्ट्री अलग तरीके से काम करती है, दूसरी इंडस्ट्री अपना काम इंडिपेंडेंट अलग तरीके से करती है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, इंटीग्रेशन नहीं था। तो कहते इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम क्या करना चाह रहे हैं, वी आर नाउ गोइंग टू हैव अ विजिबिलिटी ऑफ ईच अदर्स एक्टिविटीज, कि क्या काम हो रहा है। अगर एक मिनिस्ट्री लेट अस से रोड एंड हाईवेज का मिनिस्ट्री है, दूसरा लेट अस से रेलवेज का मिनिस्ट्री है, तो क्या रोड प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर रोड के एरिया में काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेलवेज मिनिस्ट्री काम कर रही है। अब देखो रोड और रेलवे का आपस में कनेक्शन होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। अब ये पहले नहीं हो पा रहा था, इसके थ्रू ये हो पाएगा। सो क्या करेंगे वो लोग, अपना जो डेटा होगा उसको शेयर करेंगे, तो प्लानिंग के लेवल पर ही ये काम बढ़िया तरीके से हो जाया करेगा, फिर एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डिजाइन करेंगे। इसके साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होंगे वो प्रायोरिटाइज पहले ही करना शुरू कर देंगे अपने प्रोजेक्ट्स को, कैसे, थ्रू क्रॉस सेक्टरल इंटरैक्शंस। तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहले ही बैठ के ये डिसाइड कर लेंगे कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स किस किस तरह से लॉन्च करने हैं। तो आपस में जब इंटरैक्शन लेवल्स इंक्रीज होंगे तभी ये चीज हो पाएगी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे कहा बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा कि वी हैव सीन एग्जाम्पल्स ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इंक्लूडेड न्यूली बिल्ट रोड्स बीइंग डग अप बाय द वाटर डिपार्टमेंट्स टू ले पाइप्स। आपने ये जनरली देखा होगा कि आपके यहाँ पर कोई नई रोड बनी है और वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से लोग आ रहे हैं वहां पे क्या डालने के लिए, जी पाइप्स डालनी है हमें अंदर। तो क्या होता है, पहले रोड को तोड़ोगे फिर ही आप पाइप डालोगे, ऑब्वियसली और कोई तो तरीका है नहीं यहाँ पे। सो अभी क्या होता था कि वो जो सारा काम किया गया, वो जो पैसा लगाया गया रोड को बनाने में, जो प्लानिंग उसमें गई, जो एफर्ट उसमें गया, वो सारा का सारा जो था वो वेस्टेज हो गई उसकी, राइट। तो कहते ये चीज ना हो दोबारा, इसीलिए ये गतिशक्ति प्लेटफॉर्म जो है ये ऐसी सिचुएशन से हमें बचाएगा, राइट। ये जितने भी इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ये जो सीलोज में काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, ये चीज अब नहीं हो पाएगी क्योंकि अब ये कनेक्ट होकर काम करेंगे, इंटीग्रेट होकर काम करेंगे। नाउ लेट अस सी व्हाई डू वी नीड दिस इंटीग्रेशन, हमें चाहिए क्यों, इतनी हम इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं लेकिन हम ये इंटीग्रेशन चाहते क्यों हैं। देखो मोदी जी की बात पे फिर से फोकस करो, हमने कहा कि हम लोग मैक्रो प्लानिंग जरूर करते हैं, हमने क्या कहा, हम जी रोड बनाएंगे, दूसरी प्लानिंग हमने क्या करी जी, कि हम पाइप्स डालेंगे, ठीक है जी। अब आपने आपस में माइक्रो प्लानिंग नहीं करी, ये है मैक्रो प्लानिंग। अपने बड़े लेवल पर एक प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया कि हमने ये काम रोड बनानी है जी, हमने पाइप लगानी है जी, ये एक मिनिस्ट्री ने कर लिया, ये दूसरी मिनिस्ट्री ने कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या आ गई जी, माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, जब वो ग्राउंड लेवल पर जाएगा तो किस तरह से एक के होने की वजह से दूसरी मिनिस्ट्री को या दूसरे प्रोजेक्ट को अफेक्ट होगा, ये यहाँ पर एब्सेंट था।
ये कोऑर्डिनेशन यहाँ पर एबसेंट था, देर वॉज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, तो ये शेयर ही नहीं हो रही इन्फॉर्मेशन, व्हिच इज व्हाई सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा था। देखिए अंत में ये पैसा किसका है, ये हम टैक्स पेयर्स का ही पैसा है, तो ये पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट? तो एक बेटर प्लानिंग की यहाँ पर जरूरत है, दैट इज व्हाई सच थिंग इज रिक्वायर्ड, सच प्लेटफॉर्म इज रिक्वायर्ड। नाउ यू सी अगेन कि लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो है, मतलब आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह जब लेकर जा रहे हैं, आपको उसमें रोड जो है वो बढ़िया चाहिए, या रेलवेज आपको बढ़िया चाहिए, पोर्ट्स आपको चाहिए, या आपको एयरवेज चाहिए, यानी इन शॉर्ट आपको कनेक्टिविटी चाहिए। इसके साथ साथ आपको वेयर हाउसेस चाहिए होंगे, यानी सामान को स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टोरेज हाउसेस होने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है जी, कि हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, कहीं पर अगर रोड है तो रेलवेज उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, या कहीं पर अगर पोर्ट्स हैं तो पोर्ट्स के साथ रेलवे या रोडवेज कनेक्टेड नहीं है, तो आपस में एक कनेक्शन जो है वो नहीं बन पाया, जिसकी वजह से हमारा जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो 13% ऑफ द GDP है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा है, इसको हम सिंगल डिजिट में लेकर आना चाहते हैं। तो ये जो हमारा ड्रीम है या ये जो हमारा गोल है, ये पूरा कैसे हो पाएगा? थ्रू दिस गतिशक्ति प्लान। क्योंकि आप देखो, ये हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट की वजह से हम बहुत सारी कॉम्पिटेटिवनेस जो है इंडिया के एक्सपोर्ट की, वो लूज कर देते हैं। कैसे? आपका जब कोई प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट के अंदर आपने कुछ पैसा लगाया, उसकी कोई वैल्यू हो गई, अब इसका जो खर्चा है और क्या होगा, आपने इसके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, इसके लॉजिस्टिक्स के ऊपर आपने कोई पैसा खर्च किया, उसके अंदर किसी तरह का टाइम वेस्टेज हुआ, उसके अंदर किसी तरह का एफर्ट वेस्ट हुआ, कोई पैसा जो था आपका वेस्ट हुआ, तो कुल मिला के आपको यहाँ पर बहुत सारा पैसा जो था वो देना पड़ा। ये वाला सारा पैसा जो है वो आपका ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट अब बनेगा, एंड कॉस्ट जो उसकी होगी वो बहुत ज्यादा महंगी होगी, राइट? तो जब आप ऐसा महंगा प्रोडक्ट जाकर मार्केट में बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट जो है वो बाकियों के प्रोडक्ट के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा होगा, राइट? तो आपके प्रोडक्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, उसके अंदर उतनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इन्वॉल्व नहीं है, राइट? तो इसकी वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो उतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। सो देखिए, यहाँ पे बहुत सारा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनने जा रहा है, वो क्रिएट होने जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को हम ध्यान में रखते हुए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो देखो, जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे तो उसके अंदर आप ऑटोमेटिकली समझो कि बहुत सारी जनता जो है वो इन्वॉल्व होगी और लोगों को यहाँ पर नौकरियां मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो देखो वो किस तरह का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर किस तरह की लेबर की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। फिर जो वो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, वो कंपनी जो भी होगी, जिस भी रिगार्डिंग वो काम कर रही है, उसके रिगार्डिंग उस स्किल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इन शॉर्ट, ये काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ लोगों को अफेक्ट करने वाला है, विच इज वाई ऑल्सो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इंटीग्रेशन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि ये अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन होकर काम कर सके। क्योंकि इसी की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है। इसके अलावा एक और हमारी नीड क्या है कि हमारे ऑलरेडी जो चल रहे प्लान्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी NIP की, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की, ऐसे ही एक और प्रोजेक्ट हमारे पास है जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसके रिगार्डिंग भी जी हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो पड़ा है, प्लीज डू वॉच इट, आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो पीएम गतिशक्ति, NIP और NMP, ये तीनों जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं वो पीएम गतिशक्ति के बारे में है, लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं, NIP और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP, ये दोनों जुड़े हुए हैं गतिशक्ति से। तो अगर हम इसके बारे में मोटे तौर पर बात करें कि NMP क्या है, इसके अंदर बेसिकली हम प्राइवेट सेक्टर का जो पैसा है वो चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर लगे, क्योंकि सरकार के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन सरकार के पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको बेटर तरीके से चलाने की कैपेबिलिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। तो यहाँ पे बेसिकली हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अपना इंटरेस्ट दिखाए, अपना पैसा लगाए, और उस पैसे की सहायता से फिर हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे, उनको हम बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये सभी चीजें आपस में कनेक्टेड है। देखिए, अब हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? इतने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनको एक साथ देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कोई मिनिस्ट्री कोई काम कर रही है, दूसरी मिनिस्ट्री दूसरा काम कर रही है। तो हमने अब ये प्लेटफॉर्म जब बना दिया, तो अब हम कोई भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, साइड बाय साइड हम उनको ट्रैक कर सकते हैं और रियल टाइम में कर सकते हैं।
लाइक कब कब क्या क्या काम हो रहा है उसी टाइम आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको हफ्ते बाद आ रहा है या आपको महीने बाद पता चल रहा है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हो गया, राइट? और क्योंकि ये एक प्लेस पे हमें मिल जाने वाला है तो इट इज सेंट्रलाइज प्लेस, एक प्लेटफॉर्म पे सभी इंफॉर्मेशन होगी, तो हम प्रोग्रेस देख पाएंगे किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? तो गवर्नमेंट इससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे क्या हो सकें, सिंक्रोनाइज हो सकें, क्योंकि हम इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो बना रहे हैं, मल्टी मोडल नेटवर्क हम बनाने जा रहे हैं, और ये तभी बन पाएगा जब हम सभी लोग सिंक्रोनाइज वे में काम करें। अगला इंपॉर्टेंस है जी कि देखिए यहाँ पे स्टेट सरकारें जो हैं वो भी इन्वॉल्व होने वाली हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। अब हमने अगर ये प्लेटफॉर्म बना दिया है, राइट, तो इसके ऊपर किस तरह से डिसीजंस पास किए जा रहे हैं, किस तरह से प्लानिंग हो रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किन के लिए? जिन लोगों ने एक्चुअल में इन्वेस्ट करना है उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है जी? तो यहाँ पे स्टेट सरकार क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इन प्लानिंग्स को देखते हुए, ये सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए जो भी इस प्लेटफॉर्म पे डिसाइड हो रही है, इन्वेस्टर्स को एक तरह का कमिटमेंट दे सकती है। कमिटमेंट्स किस रिगार्डिंग हो सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग कमिटमेंट हो सकता है कि इस समय तक जी आपका जो क्लियरेंस है वो हो जाएगा, या इस समय तक आपका ये जो अप्रूवल है वो हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो इन्वेस्टर लोग तभी आपके काम में इंटरेस्ट दिखाएंगे, तभी आपके इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे, पैसा लगाएंगे, अगर उनका फायदा हो। अगर आप उनका टाइम वेस्ट करेंगे या उनका एफर्ट वेस्ट करेंगे, उनका उनका रिसोर्स वेस्ट करेंगे, तो वो कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए एनकरेज नहीं होंगे, राइट जी? तो इसके हेल्प से, इस गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के हेल्प से स्टेट सरकारें इस तरह के कमिटमेंट्स दे सकती हैं इन्वेस्टर्स को। पहले क्या होता था, किसी और प्रॉब्लम की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले हो जाता था, किसी और मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट की वजह से या किसी और प्लानिंग के डिले की वजह से आपस में, क्योंकि कोई बातचीत नहीं होती थी, लेकिन अब वो चीज नहीं हुआ करेगी बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। पीएम गतिशक्ति इज द रिजल्ट ऑफ पीएम मोदीज कॉन्स्टेंट एंडेवर टू बिल्ड नेक्स्ट जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोगों ने बात करी थी कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम भारत के अंदर बनाना चाहते हैं, जो कि हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। हमारा ट्रेड जो है वो तो बेटर परफॉर्म करेगा ही करेगा, लेकिन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भारत की इमेज जो है वो एक बहुत ही सुंदर तरीके से सामने आएगी, जिससे कि बाहर वाले इन्वेस्टर्स भी जो होंगे वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनकरेज होंगे, उन लोगों को इंटरेस्ट आएगा भारत के अंदर, जो कि अभी थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिलेज हो जाते हैं जी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि काम जो है वो स्ट्रीमलाइन तरीके से नहीं था, मिनिस्ट्री सिलोज में काम कर रही थी, जो अब नहीं होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ये हमें ईज ऑफ लिविंग भी प्रोवाइड करेगा जी, क्योंकि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो बन किसके लिए रहे हैं, वो जनता के लिए बन रहे हैं, वो आम लोगों के लिए बन रहे हैं, आपके और मेरे लिए बन रहे हैं, राइट? तो जब रोड्स बनेंगी, रेलवेज बनेंगी, ये कनेक्टिविटी जब इंक्रीज होगी, तो इससे आम लोगों की जिंदगी भी बहुत ज्यादा आसान होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। नाउ लेट अस सी द बेनिफिट्स कि इससे आम जनता को, सरकार को, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को किस तरह से फायदा होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिडक्शन इन द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ये हम लोगों ने बात करी थी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोग बहुत सारी कनेक्टिविटी जो है उसको पूरा कर देने वाले हैं, और गतिशक्ति प्लान के अंदर या गतिशक्ति प्रोग्राम के अंदर हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आपस में हमारी इंटीग्रेशन हो। अगर रोडवेज काम कर रही है तो साथ में रेलवेज साथ में बैठे, साथ में प्लानिंग करे, एयरवेज से रिलेटेड भी जो मान लो इनपुट है वो भी यहाँ पर आए, तो एक तरह से हम सारे मिलकर काम यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप देखो यहाँ पर रिसेंटली ही हुआ है, ये मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स जो हैं वो बनाए जाने वाले हैं। 500 का नंबर है जी, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स कौन बनाने वाला है? इंडियन रेलवेज बनाने वाली है। कब? इन अ टाइम पीरियड ऑफ 4 to 5 years। तो रेलवे मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने रिसेंटली ही बात कही। सो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स ऑफ द नेशनल ट्रांसपोर्टर विल बी टर्मिनल्स वेयर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी सीमलेसली इंटीग्रेटेड। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि रेल नेटवर्क से वो कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो चाहे रोड्स हो गई, रोड्स भी कनेक्ट होंगी जी, इसके साथ एयरपोर्ट्स होंगे, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी होगा, तो एयरवेज की कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगी। देन आपके पोर्ट्स हो गए, तो रेलवेज जहां जहां से जाएंगी वहां वहां से हम इनकी सबकी कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है जी? इस तरह के प्रोजेक्ट्स को या इस तरह की कनेक्टिविटी को क्या बोलते हैं? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स को टच किया जा रहा है। और इसके अंदर हम लोगों ने बात करी जी ओवरलैपिंग ऑफ द एफर्ट्स, तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हमने अभी एग्जांपल शेयर किया था
कि रोड अगर बनाई जा रही है तो बीच में अगर आप पाइप्स बनाने बाद में आ रहे हो तो उससे एफर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम लोग काम करेंगे, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन अगर हमारे बीच में रहेगा तो हमारे जो बहुत समय से चल रहे इश्यूज थे, हमारी प्लानिंग जो थी वो डिसजॉइंटेड रहती थी। एक कोई और तरीके से काम कर रहा है, दूसरे ने कोई और प्लानिंग करी, अगर मिलके करी होती तो हमारा काम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होता। स्टैंडर्डाइजेशन का लैक था, एक डिपार्टमेंट अलग तरीके से काम करता है, उनके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं, रेलवेज के स्टैंडर्ड्स लेटेस्ट से कुछ डिफरेंट हैं, आपस में इंटीग्रेशन हुई नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन क्लियरेंसेस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है राइट, उसका क्लियरेंस आपको एक्स वाई जेड जगह से लेना पड़ेगा, वहां से वो टाइमली आया नहीं आया, टाइम वेस्टेज होगा आपका, और टाइम वेस्ट हुआ तो पैसा भी आपका वेस्ट यहाँ पर होगा राइट जी। तो इस सभी चीजों के लिए हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच और इंक्रीज कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जो बेनिफिट हमें गति शक्ति प्रोग्राम दे रहा है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आप वैसे ही जानते हो कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है, ह्यूमन पार्टिसिपेशन जो है, वो कम से कम होती है, ज्यादातर जो काम है आप ऑनलाइन ही कर सकते। तो टाइम वेस्टेज जी इसके अंदर एलिमिनेट होने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज क्योंकि नहीं हुआ करेंगे जो कि पहले होते थे, बेटर एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करने की बात करी जा रही है, और ये रिव्यू कौन करेगा, वो भी रियल टाइम में। तो स्पेशली डिजाइन ग्रुप है हमारा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस को अच्छे से देखेगा, उसको ट्रैक करेगा और रियल टाइम में ट्रैक करेगा। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, देयर बाय सेविंग टैक्स पेयर्स मनी। तो देखो, अगर पैसा बचेगा, टाइम कम लगेगा तो पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो ऑब्वियसली ये पैसा किसका है, हमने बात करी थी, टैक्स पेयर्स का, आपका और हमारा पैसा है ये, जो सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर लगाती है। ठीक है, तो अगर ये पैसा बचेगा तो मतलब हमारा पैसा बच रहा है, किसी और अच्छे काम में ये पैसा जो है लगाया जाएगा, वेस्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए हमारे मिनिस्टर ने कहा कि वी मे सी कि एक टनल जो है वो रोड्स के लिए बनाई जाती है, एक और टनल जो है वो रेलवेज के लिए बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हम बिगर टनल बना सकते हैं जो रोड्स के लिए भी हो और रेलवेज के लिए भी हो, टैक्स पेयर का थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज जो है ये बच जाने वाले हैं। टीपी सिंह, हु इज द डायरेक्टर ऑफ भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्होंने कहा, जिन्होंने ये पोर्टल बनाया है इस इंस्टीट्यूट ने, इन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि रेलवे लाइन देखो हम लोग बनाते हैं राइट, इसका पाथ जो है कहाँ से आपको निकालना चाहिए, कहाँ से नहीं निकालना चाहिए, कहीं फॉरेस्ट के थ्रू तो नहीं निकल रहा है, अगर फॉरेस्ट के थ्रू निकल रहा है तो पहले क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि क्या वहां पे आसपास किसी बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, आपको सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। अब अगर देखो हम बैठ के एक साथ मिलकर बैठ के बात करें, प्लानिंग करें, तो हो सकता है कि हमारे पास ऐसा एक सिचुएशन सामने आ जाए जहां पे हमें जरूरत ही ना पड़े इस चीज की राइट, हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट ही ना हो। तो कहते हैं हम बहुत सारा जो अपना टाइम है उसको बचा लेंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, भारत के अंदर बनाने की चीजों को बात करते हैं, कहते ये इससे, ऐसे प्रोजेक्ट से ये बहुत ज्यादा इसको पुश मिलेगा, क्योंकि देखो कनेक्टिविटी जो है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अगर इंटीग्रेटेड तरीके से हो गई तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगी, और अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, आप आसानी से बिजनेस कर पाओगे, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेडर्स होंगे वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो इंटरेस्ट इस चीज में दिखाएंगे कि हम लोग भी इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे एनकरेज होंगे, क्योंकि अब सारा कुछ स्मूथ हो गया, सारा कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया। ऑल्सो आप देखो, हम बात कर रहे थे कि बाहर से कुछ जो लोग होंगे वो भी भारत में आकर बनाने की बात करेंगे, अगर हमारा ये जो काम है वो होलिस्टिकली हो रहा है, इंटीग्रेटेड तरीके से अगर होगा। लास्टली, इट विल हेल्प इंडिया बिकम द बिजनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम अपना नाम चमकता हुआ देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत को भी इस तरह से देखा जाए कि एक ऐसी कंट्री है जो बिजनेस फ्रेंडली ऑपरेशंस जो हैं उनको कराने में काबिलियत रखती है, वहां पर किसी भी तरह के डिलेज जो हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं, हैसल फ्री होकर ट्रेड यहाँ पर किया जा सकता है, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आई भी तो भी उसको एक सही तरीके से सॉल्व करने का मेथड यहाँ पर अब आ चुका है राइट जी। सो इट इज गोइंग टू एनकरेज द पीपल, द ट्रेडर्स फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये थे जी हमारे बेनिफिट। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि पीएम गति शक्ति प्लान किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बेटर इंप्लीमेंटेशन के अंदर। अगर हम क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें तो प्रीलिम्स रिलेटेड आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पीएम गति शक्ति
किन किन सेक्टर से डील करता है, कैसी कैसी काम ये करेगा इसके बारे में। सेकेंडली, अगर हम मेंस की यहाँ पे बात करें तो आप जानते हैं कि जीएस पेपर 3 के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है जी कि आज की डेट में सरकार के ऐसे कौन से एफर्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील हो सकता है। फाइन, तो ऐसे करके आपको एक ओवरऑल क्वेश्चन डिजाइन करके दिया जा सकता है जहां पे आप पीएम गतिशक्ति को एज अ फॉडर मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो देन यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।